हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कैप का वीडियो लेकर के आई हूँ। कैप बनाना हम सीखेंगे। ये जो बेसिक है, इसकी हेल्प से हम कैप बनाएंगे। इस बेसिक को बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 9 फंदे सिलाई में डालने हैं। ये देखें, 9 फंदे हम डाल लेते हैं। देखें, 9 फंदे हमने डाल लिए। अब हमने क्या करना है, सीधे फंदे बनाने हैं। ये 9 के 9, यानी ये सिलाई हमने सीधी बनानी है। ये देखें, ये सीधे फंदे बना लिए हमने सारे। अब आ गए हम, ये अब हमने क्या करना है, ये पहला फंदा उतारा ऊन पीछे, इधर से भी ये सारे फंदे हमने सीधे बना लेने। ये देखें, अब हम आ गए राइट साइड पे दोबारा। अब हमने क्या करना है, ये एक फंदा ही हमने उतारा, इस तरह ऊन को घुमाया सलाई पर से, ये जाली हो गई। फिर एक फंदा सीधा, फिर ऊन को इस तरह सलाई पर से घुमाया एक फंदा। ये देखें, ऊन को ये घुमाया जाली के लिए, एक सीधा, फिर ऊन को घुमाया एक सीधा, फिर इस तरह घुमाया ऊन को एक सीधा। अब ये देखें, लास्ट में 2 फंदे रह गए हमारे पास। अब ये हमने जाली के लिए ऊन को घुमाया सलाई पर से और ये दोनों फंदे सीधे। अब देखें रॉन्ग साइड पर उल्टी तरफ कैसे बनाना है। हमने सलाइयां हमारी दोनों तरफ से सीधी बनेंगी। ये हमने फंदा उतारा, ऊन पीछे ले गए। अब ये सारे फंदे हमने, ये देखें जाली वाले भी, ये सारे फंदे सीधे बना लेने। ये देखें, ये जाली वाले फंदे भी, अब ये देखें फिर से आ गए हम सीधी सिलाई पर। अब हमने क्या करना है, पहले हमने एक फंदे के बाद जाली डाली थी, अब हम ये 2 फंदे के बाद जाली डालेंगे। ये फंदा हमने उतारा, ये जाली का बना हुआ फंदा, इसे बनाया और अब जाली डालेंगे। जाली आप ऐसे ऊन आगे करके भी डाल सकते हैं। ये देखें, ऊन आगे कर ली हमने, फिर 1 2 सीधे, फिर ऊन आगे 1 2, फिर ऊन आगे 1 2, फिर ऊन आगे 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे 2 फंदे सीधे, ऊन आगे 2 फंदे सीधे, ऊन आगे 2 फंदे सीधे। ये वाले जो लास्ट वाले ये 2 फंदे हैं, ये एंड तक हमारे सीधे चलेंगे। ये देखें, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाले फंदे हैं, ये 2 फंदे एंड तक सीधे ये चलेंगे। अब ये देखें, रॉन्ग साइड से सिलाई पूरी सीधी, जाली के फंदे भी हम सीधे बनाते जाएंगे। इसमें दोनों तरफ से ही सीधी सिलाइयां हमारी बनेंगी, उल्टी सिलाई अभी हमारी नहीं बनेगी ये पूरे बेसिक में। अब ये देखें, फिर से हम आ गए राइट साइड पर। पहले हमने एक फंदे के बाद जाली डाली थी, फिर हमने 2 फंदे के बाद जाली डाली थी। ये देखें, अब हम जाली डालेंगे 3 फंदे के बाद। देखें, 1 2 और ये 3, अब जाली डालेंगे। देखें आगे ऊन, फिर 3 फंदे, 1 2 3, फिर आगे ऊन 3 फंदे, 1 2 और 3, आगे ऊन फिर 3 फंदे, 1 2 3, आगे ऊन 3 फंदे, 1 2 3, आगे ऊन फिर 3 फंदे, आगे ऊन फिर 3 फंदे, फिर आगे ऊन, और ये लास्ट के हमारे 2 ही फंदे चलेंगे। ये देखें, एक एक फंदे के बाद डाली थी हमने, तब भी ये 2 फंदे थे, फिर 2 फंदे के बाद डाली है फिर भी, और अब ये 3 फंदे के बाद जाली डाली है फिर भी ये
ये वाले दो फंदे ही चलेंगे। अब ये देखें रॉन्ग साइड से सिलाई पूरी सीधी बन जाएगी। अगली बार हम आएंगे तो फिर अब हम जाली डालेंगे एक दो तीन और ये चार फंदे के बाद, ये जाली वाला भी इधर आ जाएगा, फिर हम जाली चार चार फंदों के बाद डालेंगे, फिर उल्टी तरफ से सिलाई सीधी बना लेंगे, फिर जाली पांच पांच फंदों के बाद डालेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखे 15 फंदे तक हमने इसको बनाया है, तो ये 15 जाली हमारी आ गई है। ये देखे 15 जाली तक हमने इसको बना लिया। अब हमने क्या करना है, ये देखे इस तरफ से, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये सर्कुलर निडल में डाल दिए थे फंदे, बाकी बनाए ये हमने दो निडल से ही है। अब क्या करना है, हमने इस तरफ वाली ये एक कली, ये देखें कितनी कलियां, एक दो तीन चार पांच छह और ये सात, ये वाली कली जो इसमें हमारे ये दो फंदे एक्स्ट्रा हैं, ये वाली कली को हमने पिन में उतार देना है। ये देखें ये वाली एक कली के फंदे और ये दो फंदे जो है ये हमने उतार देने हैं पिन में। ये देखें ये फंदे हमने पिन में उतार दिए। ये जो हमारी कैप है ये 1.5-2 साल के बच्चे को आ जाएगी। अगर आपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनानी है तो आप 12 जाली डालें, इससे बड़े के लिए बनानी है आपने तो इससे ज्यादा जालियां आप डालें, 16-17 जाली 18 जाली इस तरह से डाल लें। अब ये देखें ये वाले फंदे, अब हम एक सिलाई बना लेते हैं, पहले सीधी तरफ हैं हम तो ये पहले एक सिलाई सीधी बना लेते हैं। ये देखें इसको हम, अब ये स्ट्रेट निडल पर ही उतार रहे हैं, ये राउंड निडल को अब हम सर्कुलर निडल को हटा रहे हैं, इसको हम सीधा बुनते हुए, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी गिन करके ये फंदे कितने हैं हमारे और कितने फंदे हमने पिन में उतारे हैं। ये देखें जो फंदे हमने पिन में उतारे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 1, 19 ये फंदे हमने पिन में उतारे हैं। अब ये देखते हैं सिलाई में हमारे पास कितने फंदे, 2, 4, 6, 8 सिलाई में हमारे पास फंदे हैं 95 और 19 फंदे ये हमने पिन में उतारे हैं। अब इसको हम रॉन्ग साइड से एक सिलाई उल्टी बना लेते हैं और फिर इसको हमने जैसा चाहे डिजाइन डालकर या प्लेन बनाना चाहे या बीच में उल्टी धारियां बनाना चाहे, जैसे भी 4 इंच तक इसको हमने बना लेना है। अगर इससे छोटी हम कैप बना रहे होंगे तो इसको हम मान लीजिए न्यू बॉर्न के लिए हम बना रहे हैं तो 2.5-3 इंच तक हम मैक्सिमम इसको बनाएंगे। अब ये 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए तो 4 इंच, इससे बड़े के लिए अगर बना रहे होंगे तो मैक्सिमम 5 इंच तक इसको हम प्लेन बनाएंगे। अब ये जो हमारा साइज है इसको हमने 4 इंच तक बनाना है, या तो आप कोई डिजाइन डाल लें या प्लेन बनाए या धारियां डाल करके इसको हम बना सकते हैं। ये देखें इसको हमने बना लिया, ये हमारे 4.25 इंच तक बन करके आया है। अब ये देखें इसमें हमने ये बीच बीच में सिलाइयां प्लेन डाली हैं और फिर ये उल्टी धारियां डाली हैं। इसको हमने कैसे बनाया है ये मैं आपको कुछ फंदों में बताती हूँ। ये देखें पहली सिलाई सीधी बनाएंगे, ये जितने भी फंदे हमारे पास बचे हैं ये मैं 12 फंदों में आपको बता रही हूँ कि हमने ये वाला डिजाइन किस तरह से डाला है, बिल्कुल सिंपल है। ये देखें पहली सिलाई सीधी, दूसरी सिलाई उल्टी, दूसरी सिलाई उल्टी हो गई, फिर आ गई तीसरी सिलाई सीधी, अब चौथी सिलाई उल्टी,
देखें पांचवी सलाई सीधी, फिर छठी सलाई आई हमारी उल्टी, छह सलाइयां हमारी हो गई। उसके बाद सातवीं सलाई सीधी, अब आई हमारी आठवीं सलाई, आठवीं सलाई भी सीधी। ये देखें हमने उल्टे में पहला फंदा उतारा, ऊन पीछे ले गए और ये सलाई भी आठवीं हमारी सीधी बनेगी। अब आ गई नौवीं सलाई, आठवीं सलाई भी हमने सीधी बनाई थी, नौवीं सलाई भी सीधी। अब आ गई हमारी दसवीं सलाई, ये भी सलाई हमारी सीधी बनेगी। ये देखें उतारा फंदा ऊन पीछे और पूरी सलाई दसवीं सीधी बनेगी। ये दसवीं सलाई भी पूरी सीधी हमारी बन गई। ये देखें इस तरह से इन्हीं दस सलाइयों को हमने इसमें रिपीट किया है। ये देखें एक दो तीन और ये चार बार, यानी टोटल ये 40 हमारी सलाइयां हैं। अब इसके आगे हमने इसका बॉर्डर बनाना है। अब ये देखें जैसे हमने इसमें बनाया हुआ है, ये बॉर्डर हम बना सकते हैं। दो धारियां तो ये हमारी आ गई और दो धारियां और डाल करके इस तरह से ये बॉर्डर बना करके हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। पर अगर हमने गर्ल के लिए बनाना है इस कैप को, ये तो हो गया बॉय के लिए, अगर गर्ल के लिए बनाना है तो हम इसमें झालर बनाएंगे। झालर अब इसमें बनाना हम शुरू करते हैं, और झालर का वीडियो मैं अलग से भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहां से हेल्प लेकर भी आप बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये देखें ये उतारे हमने फंदा, आगे लाए हम उनको दो फंदे उल्टे। अब अगले दो फंदे हमने सीधे बनाने हैं, पर एक सीधा आगे ऊन की जाली के लिए, फिर अगला सीधा, फिर अपनी तरफ ऊन, दो उल्टे। ये हम दो उल्टे दो सीधे बना रहे हैं, दो सीधे के बीच में जाली डाल रहे हैं, दो उल्टे, फिर ये दो सीधे और इनके बीच में जाली। ये देखें एक सीधा आगे ऊन, फिर दूसरा सीधा। ये इस तरह से एंड तक हम बना लेंगे। ये देखें सिलाई को एंड तक हमने बना लिया। शुरुआत भी हमने एक सीधा उतार कर दो उल्टे बना कर की थी, और यहां भी एंड में दो उल्टे एक सीधा। अब आ गई हमारी ये रॉन्ग साइड की सिलाई। अब इस पे हमने क्या करना है, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है, यानी जिन फंदों को हमने पिछली तरफ से उल्टा बनाया था वो इधर से सीधे बन रहे हैं, और जो ये सीधे बनाए थे वो उल्टे बनेंगे। ये बीच में जो जाली है ये भी हम उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को भी जाली वाले को। और ये देखें दो उल्टे इधर से बनाए थे, ये इधर से सीधे बनेंगे। अब ये दो सीधे और बीच में जाली डाली थी, ये इधर से तीनों फंदे उल्टे बनेंगे। ये इस तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखें ये रॉन्ग साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर से आ गए हम राइट साइड, उल्टे फंदे हमारे ये उल्टे ही बनेंगे, ये दोनों उल्टे बन गए। फिर ये देखें पीछे ऊन ले गए। अब ये एक और ये जाली का बड़ा हुआ ये दो, ये हमने सीधे बना लेने, और इससे आगे हमने जाली डालनी है। ये आगे ऊन की दो सीधे के बाद फिर एक सीधा, फिर ये दो उल्टे। अब ये देखें एक और ये दो सीधा, आगे ऊन, फिर ये एक सीधा। अब ये यहां पर हमारे
तीन सीधे के बीच में जाली डल रही है, पहले दो सीधे हम बना रहे हैं, फिर जाली और फिर एक सीधा। ये देखें, दो उल्टे, फिर ये एक सीधा और ये जाली का बना हुआ फंदा भी सीधा, फिर आगे जाली के लिए ऊन और फिर ये फंदा सीधा। ये इसी तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट करना है और रॉन्ग साइड से फिर जैसे जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा हम बनाएंगे। अब ये देखें, फिर से हम सीधी तरफ आ गए। अब ये बीच के दो फंदे तो उल्टे ही बनेंगे। अब ये देखें, एक दो तीन के बाद यहां पर जाली डलेगी, फिर अगली बार आएंगे तो एक दो तीन और ये जाली वाला फंदा मिलाकर चार, इसके बाद जाली डलेगी। इस तरह से इसको हम बनाते हुए पांच जाली तक बना लेंगे। पांच जाली तक बनाने के बाद हम उल्टी तरफ से सारे फंदों को बंद कर देंगे तो ये लैस हमारी, ये झालर कंप्लीट हो जाएगी। ये झालर पहले भी मैं अपने कई प्रोजेक्ट में बना चुकी हूँ और अलग से भी मैं ये झालर का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से देखकर भी आप ये झालर को बना पाएंगे। अब ये झालर हम बना लेते हैं। ये देखें, इसको हमने पांच जाली तक बना लिया, एक दो तीन चार और ये पांच। ये राइट साइड से हमने जाली डाली, अब ये रॉन्ग साइड से हम बंद करते हुए आ रहे हैं पांच जाली के बाद। ये देखें, दो फंदों को एक साथ बनाया, ये जो एक फंदा आया इसको वापस सलाई पे डाला और दूसरे फंदे के साथ मिलाकर इस तरह से ये हमने इसको रॉन्ग साइड से बंद। ये इस तरह से जब हम बनाएंगे रॉन्ग साइड से बंद करेंगे तो ये देखें राइट साइड पर ये इस तरह से आता जाएगा। सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये देखें, सारे फंदे हमने बंद कर लिए, ये झालर हमारी ये तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस साइड से फंदे उठाना शुरू करना है। ये उल्टी साइड है तो ये हम इस तरह से उल्टे में ही फंदे उठाएंगे, ये देखें। और एक फंदे में से ये उतारा हुआ जो साइड का फंदा है, एक में से एक ही फंदा हम उठाएंगे। ये देखें, ये मैं झालर को इसके साथ ही ले रही हूँ फंदे उठाने में। आप चाहें तो झालर को इतना छोड़ करके फिर यहां से भी फंदे उठा सकते हैं। देखें, इस तरह से एक फंदे में से एक ही फंदा और ये पूरा पूरा फंदा हमने लेना है। ये देखें, ये यहां तक हमने फंदे उठा लिए। ये जो हमारा राउंड वाला पोर्शन था, ये जो हमने सीधा सीधा बनाया था, यहां तक फंदे हमने उठा लिए। फंदे गिनते हैं, ये देखें, दो चार छह आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस। अब हमने ये वाले फंदे इसमें शामिल करने, ये जो कली हमने बंद की थी, ये देखें, ये यहां पर बाद में हम सिलाई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पहले भी सिलाई कर सकते हैं। ये देखें, अब ये वाले फंदे हम सिलाई में डालते हैं। ये पिन पर से उतार करके हम सिलाई में डाल लेते हैं। अब ये देखें, इन्हें भी साथ में ही बना लेंगे। ये देखें, ये भी बना लिए हमने फंदे। अब हम फिर से ये वाले फंदे उठाने शुरू करते हैं, ये वाली साइड से भी और दूसरी तरफ से। हमने जितने फंदे उठाए थे इधर से भी हमारे उतने ही फंदे उठेंगे। ये देखें, साइड वाला फंदा जो हमारा उतारा हुआ फंदा है उसको हमने इस तरह से लेकर के, ये देखें, ये भी हमने फंदे उठा लिए। अगर तो हमने इसमें ये इस तरह की पट्टी बनानी है बढ़ा करके, तो हम क्या करते, पहले भी हम 30 फंदे डाल लेते सलाई में और फिर हम ये वाले फंदे उठाते और फिर एंड में भी 30 फंदे डाल करके सारे फंदों को सीधी सीधी 8-10 सलाइयां बना करके इस तरह से बंद कर देते, तो ये इस तरह की पट्टी हमारी बांधने वाली इसी में 7 बन जाती। अब मैं अलग तरीके से आपको पट्टी बनाना बताऊंगी। तो हमने सिर्फ ये झालर से झालर तक के फंदे उठाए। अब हमने इसमें दोनों तरफ से सीधी सलाइयां बना करके और इस तरह का बॉर्डर चार सीधी सलाइयों को, चार उल्टी धारियों का बना लेना है। अब हमने 8 सीधी सलाइयां इसमें बना लेनी है।
ये देखें बॉर्डर बना लिया हमने आठ सीधी सिलाइयों से, ये चार उल्टी धारियां हमारे पास आ गई, एक दो तीन चार, और उसके बाद हमने सारे फंदे बंद कर दिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला पोर्शन अपना सिलाई करना है। ये जो हमारे फंदे डालने वाली ऊन थी बची हुई, उसी को हमने सुई में डाल लिया। अब यहां देखें फंदे डालने वाली जो ये धारी है, इसके पहले फंदे में हमने ये डाल लेना है इस तरह से, और यहां से हमने दोनों तरफ से फंदे लेते हुए और इसको सिलाई कर लेनी है। ये देखें इस तरह से दोनों तरफ से ये हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। ये देखें ये सिलाई हमने कंप्लीट कर दी और ये बैक साइड में इसको लॉक कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने डोरी बनानी है। ये देखें एक तरफ हमने डोरी बना ली है, इसमें हमने पॉम्पम लगाने की बजाय ये इस तरह से लीफ की शेप बनाई है। अब ये डोरी का नाप मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ये सवा आठ इंच की लगभग डोरी हमने बनाई है। ये कैसे बनानी है ये अभी मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमने डबल पॉइंटेड नीडल लेनी है। ये जो आई कॉर्ड है वो मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ, अलग से भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और इससे पहले मैं एक कैप में भी ये इस तरह से आई कॉर्ड बनाना बता चुकी हूँ। अगर आप ये लीफ ना बनाना चाहें तो आप यहाँ पर एंड में पोम पोम बनाकर भी लगा सकते हैं। अब ये देखें डबल पॉइंटेड निडल हमने ले ली, अब हम यहाँ पर फंदे उठाएंगे। ये देखें इधर से ये जो पहली धारी है ये वाला फंदा हम उठाएंगे। अब ये देखें अगला फंदा दो, और ये उससे अगला फंदा तीन, ये तीन फंदे हमने उठा लिए और ये लास्ट वाला हमने छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये फंदे हमने उठा लिए, अब हमने ये सलाई को ये देखें इस तरफ ले आना है फंदों को, और दूसरी सलाई लगानी है और फंदे बनाना शुरू करना है। ये देखें इस तरह से ये धागा ये इस तरह से आएगा इधर, ये तीनों फंदे एक एक कर सीधे हमने बना लेने। ये देखें अब फिर से ये सलाई को हम इधर ले गए, फंदे आ गए हमारे दूसरे सिरे पर, फिर हमने बनाने शुरू करने, सीधे ही फंदे इसमें बनेंगे, उल्टी सलाई नहीं बनेगी। ये देखें इधर ले आए फिर से, फिर बनाएंगे, बना लिए तीनों फंदे। अब फिर से ये फंदे हमने इधर सरका लिए, फिर से तीनों फंदों को बना लेंगे और फिर से हम इसको सिलाई के दूसरे सिरे पर ले जाएंगे, फिर बनाएंगे। ये इसी तरह हम इसको बनाते जाएंगे, ये हमारी डोरी बनती जाएगी जब तक कि हमारी ये दूसरी डोरी के बराबर नहीं हो जाती, यानी सवा आठ इंच के लगभग नहीं हो जाती। अब ये देखें डोरी की हमारी हाइट बन गई सवा आठ इंच तक। अब आगे इसमें हमने पत्ती बनानी है, वो कैसे बनाएंगे हम। अब हमने नॉर्मल सलाई ले लिए, ये देखें एक फंदा बनाया जाली डाली, फिर एक फंदा बनाया और फिर ये जाली डाली और फिर एक फंदा बनाया, तीन फंदों के बीच में हमने ये दो जाली डाली है। अब उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनाएंगे इसको हम, ये देखें ये पांचों फंदे हमारे उल्टे बन गए, फिर से सीधी साइड आ गए, ये एक उतारा एक बनाया और अब यहां पर जाली आगे ऊन की, ये एक फंदा सीधा आगे ऊन, ये दो फंदे सीधे, फिर आ गए हम रॉन्ग साइड पे, उल्टी सलाई हमारी पूरी उल्टी बनती जाएगी। अब ये देखें फिर से सीधी सलाई पर है, ये जो हमारा बीच वाला फंदा है इसी के आसपास हमने जाली डालनी है। अब ये
ये आ गया बीच वाला फंदा, आगे उन जाली के लिए। ये देखें एक दो तीन जाली हम डाल चुके हैं, चौथी जाली है ये, फिर से ऊन आ गए और ये चार फंदे सीधे, ये एक दो तीन चार पांच। अब ये छठी बार हम जाली डाल लें, हमने सात जालियां डालनी है, दूसरी तरफ भी हमने सात जालियां डाली हैं। ये देखें जितने फंदे बढ़ते जाएंगे सीधे बनते जाएंगे और ये इस बीच वाले फंदे के आसपास जाली डलती जाएगी। ये देखें इसी तरह से ये हमारी छठी बार जाली डल रही है, उल्टी सलाई उल्टी बनेगी, फिर एक बार हम सातवीं बार जाली और डाल लेंगे। ये देखें सात जाली तक हमने बना लिया। ये हमारे पास फंदे कितने, दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह और एक सत्रह। अब हमने इसको शेप देना शुरू करना है। ये देखें एक फंदा हमने उतारा और ये दो फंदों की डायरेक्शन चेंज करी और ये दो का एक हमने करना है। ये देखें इस तरह से। अब बाकी फंदे, तीन फंदे रहने तक सीधे उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनती जाएगी। ये देखें ये सलाई तीन फंदे रहने तक हमने बीच के फंदे ये सीधे बना लेने। ये देखें अब ये तीन फंदे बचे, दो का एक अब ये इधर से और ये लास्ट वाला फंदा सीधा, उल्टी सलाई को उल्टा बना लेते हैं। अब ये देखें राइट साइड पे ये फंदा उतारा, दो फंदों की डायरेक्शन चेंज करी तक बीच के फंदे सीधे। अब ये देखें दो का एक और ये उल्टी सलाई पूरी उल्टी। ये देखें ये उतारा फंदा, दो फंदों की डायरेक्शन चेंज कर। अब ये एंड में भी फिर दो का एक करेंगे, बाकी बीच के फंदे सीधे बनाएंगे। दो का एक लास्ट फंदा सीधा उल्टी सलाई फिर से उल्टी। ये देखें एक फंदा उतारा, दो फंदों की डायरेक्शन चेंज कर बीच के फंदे फिर से सिंपल सीधे, लास्ट के ये एक फंदे से पहले दो का एक और ये सीधा फंदा। अब उल्टी सलाई फिर से उल्टी। ये देखें फिर से एक फंदा उतारा, दो की डायरेक्शन चेंज की, ये दो का एक किया हमने डायरेक्शन चेंज कर। ये फिर एक फंदा ये सीधा बीच का, फिर ये दो का एक इधर से और ये लास्ट का फंदा सीधा। अब ये देखें पांच फंदे हमारे पास बचे हैं, अब कैसे बनाना है। ये पहला फंदा हमने उतारा, ये दो उतारे एक साथ, ये तीसरा फंदा, ये तो उतारा फंदा, फिर ये दो उतारे, फिर ये बुना हमने और फिर ये दो फंदे इसके ऊपर से हमने उतार देने। ये देखें इस तरह से ये तीन का एक कर दिया हमने बीच में और फिर ये लास्ट का फंदा सीधा। ये देखें बीच में तीन का एक किया, ये आसपास वाले फंदे। अब आ गए हम उल्टी तरफ, उल्टी तरफ से हमने ये तीनों फंदों में सलाई डाली और ये तीनों का एक कर दिया और यहां पर हमने इसको बंद कर देना है। ये ऊन इसमें से हमने पास कराई और इसको बंद कर दिया। अब इसको कट कर हम इसके बीच में दबा देंगे। ये देखें इस तरह से इसको बीच बीच में हम साइड वाले फंदे के साथ में ये बंद कर देंगे जब तक ये नजर ना आए। ये देखें इसी के साथ हमारी ये कैप बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। कैप हमारे दो साल तक के बच्चे को आराम से आएगी। फ्रेंड्स अगर आपने ऐसी कैप बनानी है फ्रिल वाली तो आपको 60 ग्राम ऊन की जरूरत होगी और आपने इस तरह बॉर्डर वाली कैप बनानी है तो आपकी ये 50 ग्राम ऊन में भी बन जाएगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा कैप का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।